मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बैतूल जिले के भीमपुर ब्लॉक में तमाम सरकारी दावे खोखले नजर आते हैं। ताजा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब भीमपुर स्वास्थ्य केंद्र से जननी एक्सप्रेस निकली और जच्चा बच्चा को गांव से 20 किलोमीटर पहले छोड़कर रवाना हो गई, जिसके बाद जच्चा बच्चा अपने परिजन के साथ पैदल दामजीपुरा चौकी पहुंचे, लेकिन तहसीलदार और चौकी प्रभारी ने भी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद दामजीपुरा में कुछ लोगों ने घर जाने में उनकी मदद की। वहीं महिला का कहना है कि ड्राइवर ने झिरना बटकी में यह बोलकर छोड़ दिया कि उसके गाँव की सड़क खराब है। नाम है तुम्हारा? सुगंती। कौन से गांव रहते हो? गुरुगुरु में। क्या हुआ आपके साथ? एम्बुलेंस वाले लाया था। अच्छा, तो वो आधे रास्ते में छोड़, क्या बोल के छोड़ा? गड्ढा गुड्ढे ही करके रास्ता खराब, रास्ता खराब है। झिरना बटकी से आपका गांव कितने किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुन्ना सलामी। कौन से गाँव रहते हो? गुरुगुरु। क्या हुआ आपके साथ? एम्बुलेंस वाले ने झिरना बटकी तक ला के छोड़ दिया। अच्छा, क्या बोला आपको? रास्ता खराब है, गड्ढा गुड्ढी है। तो झिरना बटकी से आपका गांव कितने किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है। जननी वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासन की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है कि प्रसूता को हम डिलीवरी के लिए अपनी संस्था पर लाएं और उसको डिस्चार्ज होने के बाद वापस उसके घर तक छोड़ें। सर, जांच रिपोर्ट अभी तक प्राथमिकता प्राइमरी उसमें ये पता चला है कि वो जो है ना भीमपुर की ब्लॉक की जननी नहीं थी, वो दूसरे ब्लॉक की थी, लेकिन कहीं की भी हो, पूरे ज़िले में जननी कहीं भी जा सकती है। उसके लिए अब हम उसका पूरा मैटर है, उसके लिए उनके अधिकारियों को लिखेंगे, जितना हमारे उससे होगा दंडित है, अगर उसका अपराध उस श्रेणी में आता है उसके खिलाफ़ FIR भी दर्ज करवा।